एक्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू बेस्ड ऑन ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन ऑन एक्स इज गिवन बाय दिस आर द इंटरवल हेंस इट कैन बी इंटरप्रिटेड दैट ऑप्शन नंबर ए द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू इज 20, ऑप्शन नंबर बी द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू लाइज इन 15 to 25 विथ प्रोबेबिलिटी 0.95, द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू इज बिटवीन 15 and 25, द इंटरवल 15 to 25 कवर्स द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू विथ प्रोबेबिलिटी 0.95। अब जब आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी ना, कौन सी कि एक्स एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू है बेस्ड ऑन रैंडम सैंपल जिसकी साइज स्मॉल एन है ऑन एक्स इज गिवन बाय दिस आर द इंटरवल हेंस इट कैन बी इंटरप्रिटेड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। सिंपल है कि आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू को फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला लिख लो, एक्स बार प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एन। हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमने जो लिखा है, इस फॉर्मूले के यूज के लिए हमें तो इसमें इंफॉर्मेशन तो दी हुई नहीं है। अब हमें इस फॉर्मूले का तो यूज करना है लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें तो दी हुई नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सैंपल मीन 756 है, प्लस माइनस जेड की वैल्यू कितनी रहती है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिया 35 अपॉन स्क्वेयर रूट में एन की वैल्यू अगर आप 50 लेते हैं तो, और इसे सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो पहले हमें क्या करना है, माइनस का कैलकुलेशन यहाँ लिखना है, लेस देन और इक्वल टू म्यू, लेस देन और इक्वल टू प्लस का कैलकुलेशन आपको 765 माइनस 70 है ना, वो यहाँ पे लिखना है। हम क्या कर सकते हैं कि म्यू ये इस इंटरवल में है, पे ये दोनों दिखाते हैं कि ये दो इंटरवल है आपके। ऑप्शन नंबर ए है द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू इज 20, बट इस इंटरवल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 इज लेस देन म्यू इज लेस देन और इक्वल। अब म्यू की वैल्यू तो दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है, हिंस ऑप्शन नंबर ए तो आपका ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू लाइज इन 15 to 25 विथ प्रोबेबिलिटी 0.95, लेकिन हमें पूछा क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब ऑप्शन नंबर बी के लिए अगर हम सबसे आसान तरीका देखें तो देखो यहाँ पे तो ये इंटरवल है, इंटरवल के चार टाइप होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। इस क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है कि ए और बी के साथ उसके बीच के भी पॉइंट इस इंटरवल में इन्वॉल्व है। ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है ए और बी तो इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन उसके बीच वाले उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ये सेमी क्लोज है ना, ए तो इन्वॉल्व होगा लेकिन बी नहीं होगा, फोर में है सेमी ओपन, तो यहाँ पे ए तो इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन बी इन्वॉल्व हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में सेमी ओपन इंटरवल दिया हुआ है, सेमी ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि आपका 25 तो इन्वॉल्व होगा लेकिन 15 का इन्वॉल्व नहीं होगा। ये क्या दर्शाता है कि जो 15 और 25 है ये कवर्स करेंगे आपके किसको, इस म्यू को। मीनिंग दैट क्या कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या कहता है कि द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू लाइज इन 15 to 25 विथ प्रोबेबिलिटी 0.95। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो म्यू है ना ये लाइज होने वाला है 15 और 25 में, लेकिन हम क्या कहते हैं जो 15 और 25 है ना इसके बीच में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी है द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू इज बिटवीन 15 and 25। अब हमने जो ऑप्शन नंबर बी में देखा जो ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू लाइज इन 15 to 25 विद प्रोबेबिलिटी 0.95 कह रहा है, वो तो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू इज बिटवीन 15 and 25, लेकिन हमने तो पहले ही कहा है कि म्यू की जो वैल्यूज है ना वो इसमें लाइज भी हो सकती है या उसमें लाइज नहीं भी हो सकती है, इसका क्योंकि ये कंसेप्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल का कि चांसेस है लेकिन वो बाहर भी हो सकती है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है वो भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी है द इंटरवल
15 to 25 covers the true value of mu with probability 0.95. अब ऑप्शन नंबर डी के लिए देखो, अगर हम कहें कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ये 0 से 1 के बीच में लाइज होती है, मीनिंग दैट क्या कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 है, और यहाँ पे क्या कहता है कि जो ये इंटरवल है ना, ये जो 15 और 25 ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल 0.95 इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो म्यू को कवर्स कर सकता है, हेंस हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। लेकिन हमने किस बेस पे कहा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, ये जो वैल्यू है ना 15 और 25 ये कवर्स करने के चांसेस कितने हैं 0.95। द इंटरवल 15 टू 25 कवर्स द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू विथ प्रोबेबिलिटी 0.95, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।